नमस्कार, आप देख रहे हैं जेएमडी न्यूज और मैं हूं आपके साथ गरिमा। और खबरों की ओर बढ़े उससे पहले एक नजर आज की खास खबरों पर। विधान परिषद में सीएम योगी के तल्ख तेवर, विपक्ष पर बोला हमला, कहा घोटालों में लिप्त लोग हमें समझा रहे, हमारी सरकार में नहीं हुआ रिवर फ्रंट व्यू जैसा। फरुखाबाद में सिपाही ने पीएम मोदी के खिलाफ की आपत्तिजनक पोस्ट, नाराज बीजेपी कार्यकर्ताओं ने एसपी को सौंपा ज्ञापन, एसपी ने दिए मामले की जांच के आदेश। एटा में खाकी की शर्मनाक करतूत, महिला ने सिपाही पर लगाया दुष्कर्म का आरोप, पीड़िता ने मामले का वीडियो किया पेश, मामले की जांच शुरू। आज ही निपटा लें जरूरी काम, कल से 5 दिन तक बंद रहेंगे बैंक, 21 दिसंबर से 26 दिसंबर के बीच 5 दिन सरकारी बैंक बंद रहेंगे। और अब खबरों की ओर बढ़ेंगे विस्तार से। एटा जिले के महिला थाने में तैनात एक सिपाही पर मिरहची कस्बे की एक महिला ने जबरन रेप का आरोप लगाया है। पीड़ित महिला ने मामले का एक वीडियो भी पेश किया है और इस वीडियो के वायरल होने से पूरे जिले में हड़कंप मचा हुआ है। वहीं सिपाही इन आरोपों से साफ इनकार किया है तो अधिकारी ने मामले की जाँच कराकर कार्यवाही की बात कह रहे हैं। भाई आए तो बिल्ले कही आपको सम्मन बनेगा हुआ है तो वारंट बनेगा हुआ है तो अपनी वारंट कैसे बनेगा हमारो केस, हम तो तारीख पे एक केस चल रहा होता तारीख पे जाता है तो क्या आपको वारंट बनेगा हुआ और हमें एसएसपी साहब ने भेजा हुआ है, आपके 20,000 रुपये आपको देने पड़ेंगे। हम अपने पेट में ड्रप गए, 20,000 रुपये हम कहाँ से लाएंगे, हम दूसरे के चौका बासन करके रोटी खाते हैं, हम क्या कहाँ से 20,000 रुपये लाएंगे। सामान्य चर्चा से एक बात जानकारी में आई है कि महिला थाने में नियुक्त किसी आरक्षी द्वारा मिरहची की किसी महिला से आपत्तिजनक कृत्य किया गया है, अशोभनीय व्यवहार किया गया है। इस संदर्भ में कोई शिकायत भी प्राप्त नहीं हुई है, लेकिन जानकारी करने की कोशिश की जा रही है कि क्या शिकायत है और क्या घटना है। इस महिला से भी संपर्क स्थापित करने का प्रयास किया जा रहा है और सिपाही का नाम जानने का प्रयास किया जा रहा है कि कौन है वो। और इस समय बहुत जल्दी शिकायत प्राप्त की जाएगी, अगर इसमें घटना में सत्यता होगी तो नियमानुसार कार्रवाई, सख्त कार्रवाई की। मैं कभी संबंध लेके नहीं गया और ना मेरा वहाँ कोई संबंध है, ना मेरा वहाँ कोई जाना आना है। लेकिन वीडियो में आप ही दिखाई दे रहे हैं उसमें। परीक्षा केंद्र में 2 या 2 से अधिक कॉलेजों का सेंटर जाने वाले स्कूलों को ही परीक्षा केंद्र बनाए जा रहे हैं, जिसे देखते हुए तिलकनगर स्थित नगर निगम इंटर कॉलेज को सेंटर नहीं बनाया जा रहा है। वहीं इस मामले में नगर निगम इंटर कॉलेज के प्रिंसिपल का कहना है कि उनके स्कूल के सारे मानक पूरे होते हुए भी इसे सेंटर नहीं बनाया गया। जब इस मामले में जिला विद्यालय निरीक्षक से बात की गई तो उन्होंने बताया कि दरअसल विद्यालय में पिछली बार काफी मशक्कत के बाद सीसीटीवी कैमरा लग पाया था और अब विद्यालय में ऑडियो सेंसर भी वहां पर नहीं लग सकता। इसके अलावा ये विद्यालय पिछली बार सेल्फ सेंटर था, जबकि 2 से ज्यादा स्कूलों के केंद्र परीक्षा केंद्रों में जाना जरूरी है। इसे देखते हुए नगर निगम इंटर कॉलेज को परीक्षा केंद्र नहीं बनाया गया। चल रही है परीक्षा के हिसाब से, कोर्स तो हम लोग समय से ही पूरा करा देते हैं। हाँ, इसके संबंध में तो एक दिन पहले अभी जानकारी मिली हम लोगों को। हमारे विद्यालय में तो कोई कमी पाई नहीं गई, जैसे कि कारण दिए उसमें गए हैं कि छात्रावास जहाँ पे है वो नहीं बनाया गया, तो हमारे यहाँ छात्रावास भी नहीं है। फरुखाबाद थाना मोहम्मदाबाद क्षेत्र के निजी विद्यालय प्रबंधक ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली और पूरा मामला कोतवाली क्षेत्र के ग्राम कटैया का है, जहां की निवासी सरिता ने पुलिस को तहरीर दी जिसमें बताया गया कि उसका विद्यालय मदनपुर में आरपीएस पब्लिक स्कूल के नाम से है, जिसमें गांव के ही कुछ दबंगों ने लेखपाल की मिलीभगत के चलते कब्जा कर रखा है। दबंग लगातार विद्यालय प्रबंधक को जान से मारने की धमकी दे रहे थे और जिसकी वजह से परेशान होकर उसने आत्महत्या कर ली। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच में जुटी हुई है।
इटावा जिले के एक दिल इलाके में कानपुर आगरा नेशनल हाईवे पर मनिया मऊ गांव के पास खालसा होटल के सामने लखनऊ से आगरा जा रही जनरत एक्सप्रेस ओवरटेक करते समय ट्रक से टकरा गई और जिससे बस के कंडक्टर की मौत हो गई। करीब आधा दर्जन बस यात्री घायल हो गए हैं। घायलों को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। कन्नौज जिले के शिवरमऊ विकासखंड में बिना वसीयत में नाम चढ़े जमीन का बैनामा कर देने का फर्जीवाड़ा सामने आया है और पूरा मामला शिवरमऊ कोतवाली इलाके के खल्ला रूपमनगतपुर गांव की रहने वाली पिंकी ने एसडीएम को प्रार्थना पत्र देकर गुहार लगाई है कि उसके पति को कुछ दबंगों ने शराब पिलाकर उसकी 88 डिसमिल जमीन का बैनामा करा लिया, जबकि खतौनी में अमित का नाम दर्ज नहीं है। इसके बावजूद रजिस्ट्री दफ्तर में कैसे बैनामा करा दिया? मामले को गंभीरता से लेते हुए उप जिलाधिकारी पीसी श्रीवास्तव ने बताया है कि पूरे मामले की जांच सीओ को दे दी गई है। रिपोर्ट आने के बाद कार्यवाही की जाएगी। पत्नी अमित कुमार शिवरामऊ की तहसील की रहने वाली है। इसने एप्लीकेशन इस आशय का दिया है कि जमीन उसके ससुर के नाम है, वो मृतक हो चुके हैं, उसकी वरासत भी नहीं हुई, लेकिन उसके पति ने इस जमीन को बेच दिया। उसने ये भी आरोप लगाया है कि उसको कुछ लोग दारू वरू पिला करके बैनामा करा लिए, बिना प्रतिफल के करा लिए और जान से मारने की उसको धमकी दी है। खेती मेरे पति को शराब पिला कराए ली नशे में, और खेती ससुर के नाम निकल रही, पता नहीं कैसे कराए ली, बैनामा कैसे कराए लो। बैनामा हो गया है? बैनामा हो गया। कितनी जमीन थी? 88 डिसमिल। और किसने कराई है? अरविंद कुमार साक, मनोज यादव गांव के हैं, मनोज कुमार यादव और अनुज कुमार चतुर्वेदी। बांदा शहर कोतवाली क्षेत्र में हुई मोबाइल लूट की दो घटनाओं का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। आपको बता दें कि 3 शातिर लुटेरों को गिरफ्तार कर लिया है, वहीं 1 लुटेरा फरार हो गया है। पुलिस ने इन लुटेरों के पास से 1 मोटरसाइकिल, 12 मोबाइल, 3 तमंचे, 8 कारतूस व गांजा भी बरामद किया है। पुलिस ने तीनों लुटेरों पर लूट का केस दर्ज कर जेल भेज दिया है। मोबाइल लूट में ज़्यादा सक्रिय रहते हैं। अभी कुछ दिन पहले 1-5 तारीख को सिविल लाइन क्षेत्र में मोबाइल लूट की और बैग को छीना गया था, इसकी घटना हुई थी। उसके संबंध में कोतवाली में मुकदमा पंजीकृत था। ये उसी के अभियुक्त हैं, इन्होंने ही उसको अंजाम दिया था, ऐसी बात इनके द्वारा बताई भी गई है। इनकी गिरफ्तारी होने पर 3 लोग टोटल गिरफ्तार किए गए हैं, सत्यम पुत्र मुकेश, मोहित भदौरिया और महेंद्र उर्फ मंत्री, और 1 व्यक्ति फरार हो गया था, वो किसी की पकड़ में नहीं आ सका, पुलिस की उसकी तलाश जारी है। उसके अलावा इनसे 12 अदद मोबाइल फ़ोन बरामद हुए हैं जो चोरी के हैं, और 2 अदद तमंचा 315 बोर, 1 तमंचा 32 बोर, 5 कारतूस 315 बोर और 3 कारतूस 32 बोर के, 1 मोटरसाइकिल UP 90 68 95 और 1 मोटरसाइकिल UP 90 29 45 बजाज, इतनी बरामदगी इनके द्वारा हुई है और जो टीम ने पकड़ा है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको कानपुर से बता दें, जहां पर कानपुर बार एसोसिएशन चुनाव में मंत्री पद का परिणाम आ चुका है। इस वक्त की बड़ी खबर कानपुर से बार एसोसिएशन चुनाव का परिणाम सामने आया। अभिषेक पांडे बने कानपुर बार के मंत्री। बड़ी खबर कानपुर से, कानपुर बार एसोसिएशन उपाध्यक्ष बने अजय। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कानपुर से, अभिषेक पांडे को
2263 वोट मिले। हरिदमन सिंह को कुल 1391 वोट मिले हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कानपुर से, बार एसोसिएशन चुनाव के परिणाम सामने आ गए हैं। इस वक्त की बड़ी खबर कानपुर से, बार एसोसिएशन चुनाव का परिणाम सामने आया। और इसी खबर पर बातचीत के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता अमन तिवारी फोन लाइन पर हैं। अमन, क्या कुछ सामने आया है परिणाम में? अमन, पूछना चाहूंगी कि परिणाम में क्या कुछ सामने आया? बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कानपुर से, जहां पर बार एसोसिएशन चुनाव का परिणाम सामने आ चुका है। कानपुर से इस वक्त की बड़ी खबर, बार एसोसिएशन चुनाव का परिणाम सामने आया। अभिषेक पांडे बने कानपुर बार के मंत्री, इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कानपुर से। और इसी खबर पर बातचीत के लिए एक बार फिर से हमारे साथ हमारे संवाददाता अमन फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। अमन, परिणाम सामने आ चुके हैं, क्या कुछ परिणाम में सामने आया? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, कानपुर बार एसोसिएशन चुनाव में जो मंत्री पद का जो परिणाम है वो सामने आ चुका है। बेहद जो है हरे संगीत रिजल्ट आ रहे हैं। मैं आपको बता दूं, अभिषेक पांडे ने अर्जुमन सिंह को हराकर 866 वोटों से शिकस्त दी है। अभिषेक पांडे जो है वो कानपुर बार एसोसिएशन के मंत्री बने हैं। टोटल जो है उनको 2263 वोट मिले हैं। जी, अगर अभी बात की जाए परिणामों की, तो क्या सारे परिणाम अब तक आ चुके हैं या कुछ बचे हुए हैं शेष? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, वरिष्ठ उपाध्यक्ष पद का परिणाम जो है वो कुछ ही देर में सामने होगा। बाकी जो बाकी पदों के लिए जो वोटों की गिनती है वो कल की जाएगी। जी, जैसा कि आपने बताया था कि सुरक्षा की दृष्टि से जो जीतने वाले प्रत्याशी होंगे उन्हें खुद पुलिस उनके घर तक छोड़ने जाएगी और सुरक्षा के लिहाज से जुलूस निकालने की भी अनुमति नहीं दी गई है। तो अगर आज की बात की जाए तो आज का माहौल कैसा है सुरक्षा को देखते हुए? जी बिल्कुल, आज मंत्री और उपाध्यक्ष पद के लिए जो मतगणना होनी है। मैं आपको बता दूं, कल अध्यक्ष और महामंत्री की जीत के बाद भारी पुलिस बल उनको घर तक छोड़ने के लिए गया था। और सुरक्षा व्यवस्था की बात की जाए तो पुलिस आज भी जो है जो मंत्री और उपाध्यक्ष पद के लिए जो मतगणना होनी है जीतने के बाद पुलिस उनको भी घर तक ही पहुंचाएगी, क्योंकि सुरक्षा का सवाल है, वकीलों का मामला है। फिलहाल जो कंपनी पीएससी और कई थानों को फोर्स यहाँ तैनात किया गया है। शुक्रिया अमन आपका हमसे बातचीत के लिए। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कानपुर से, बार एसोसिएशन चुनाव का परिणाम सामने आ चुका है। अभिषेक पांडे बने कानपुर बार के मंत्री, इस वक्त की बड़ी खबर कानपुर से, बार एसोसिएशन चुनाव का परिणाम सामने आया। अरिदमन सिंह को दी 186 वोटों से शिकस्त। अभिषेक पांडे को कुल 2263 वोट मिले। कानपुर से इस वक्त की बड़ी खबर। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, कहीं बजाएगा, जल्द हाजिर होंगे। अपार सफलता के बाद एक बार फिर से मर्तोलिया बिल्डर्स लेकर आए हैं इंदिरा गांधी प्लॉट योजना। 100 वर्ग गज का प्लॉट पाए मात्र 2,45,000 रुपए में, आसान किश्तों में उपलब्ध, हमसे सस्ता कोई नहीं। मर्तोलिया बिल्डर्स का सपना अब घर हो अपना। कुछ भी करें, आपकी परेशानी का होगा हल। बड़ा से बड़ा अपराध करें, हम उठाएंगे आपकी आवाज और उन्हें सजा न दी जाए। देखते रहिए पब्लिक फोरम सिर्फ जेएमडी न्यूज पर, डॉक्टर रमेश वर्मा के साथ। गॉसिप्स के गलियारों का हाल, फिल्मी सितारों की हर वो बात, पर्दे के पीछे की कहानी, हम लाएंगे सिनेमा की जुबानी।
सिर्फ खबर फिल्मी पर। देखिए शाम 4:30 बजे सिर्फ JMD न्यूज पर। बस में मुशायरा शनिवार रात्रि 9 बजे और रविवार दोपहर 1 बजे सिर्फ JMD न्यूज पर। हिस्ट्री में पहली बार डेन का डिजिटली महाअवतार अब आपके मोबाइल में होगा मनोरंजन का अनोखा संसार। गूगल प्ले स्टोर या iOS से डेन टीवी प्लस डाउनलोड करें और अपने मोबाइल को बनाएं चलता फिरता ऑन डिमांड टीवी। ढेर सारे चैनल्स, मूवी ऑन डिमांड, नॉनस्टॉप न्यूज एंड म्यूजिक मींस फुल एंटरटेनमेंट, कुछ भी कहीं भी। जब आपके मोबाइल में होगा डेन टीवी प्लस फिर तो ऐश ही ऐश है बस। आप देख रहे हैं JMD न्यूज आम जन की आवाज। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। कानपुर के बिठूर में चल रहे महोत्सव के दूसरे दिन कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस मौके पर पटना, कलकत्ता सहित अलग अलग राज्यों से कवियों ने शिरकत की। कवियों ने अपनी कविताओं से दर्शकों का मन मोह लिया। इस मौके पर विधायक अभिजीत सिंह सांगा, मंडलायुक्त सुभाष चंद्र शर्मा सहित तमाम पदाधिकारी मौजूद रहे। मैंने कहा कि पहले लड़की चाची समझ के लाए थे। बहुत आतिथ्य किया है, मैं उन सबका बहुत आभार प्रकट करती हूँ। बहुत शुक्रिया आप सभी का। बिठूर महोत्सव का आज दूसरा दिन है और यहाँ पर आज अखिल भारतीय कवि सम्मेलन का आयोजन हो रहा है। ये कल से चालू हुआ है 18 तारीख से और ये 22 तारीख तक महोत्सव चलेगा। ये हर साल मनाया जाता है। ये पिछली बार जो है जब राष्ट्रपति का कार्यक्रम हुआ था ईश्वरीगंज में, तब बिठूर विधायक जो अभिजीत सिंह सांगा जी हैं, उन्होंने ये मांग रखी थी कि 14 साल पहले जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी तब बिठूर महोत्सव हुआ करता था, लेकिन बाद में जो बाकी सरकारें आईं उन्होंने बिठूर महोत्सव को बंद कर दिया। तो उन्होंने मांग रखी थी तो योगी जी ने उसको तुरंत स्वीकार किया और उसके अनवरत दूसरा साल ही है। ये मैं उत्सव में आया हूँ, गंगा महोत्सव में। ग्वालियर में बड़ा नाम सुना था इस महोत्सव का, तो बड़ा मन था यहाँ आने का। तो यहाँ आके देखा, बड़ा आनंद आया, बहुत अच्छा महोत्सव बना, बहुत अच्छा, बहुत आनंद आया। कानपुर के पालिका स्टेडियम में श्री माथुर चतुर्वेदी सभा की तरफ से T20 टूर्नामेंट का आयोजन किया गया। 3 दिवसीय मैच प्रतियोगिता के पहले दिन इटावा, कानपुर व मैनपुरी आगरा के बीच मैच खेला गया। T20 मैच में विनर टीम को ट्रॉफी व 11,000 रुपए का कैश प्राइज दिया जाएगा। वहीं रनर को 5,000 रुपए और बाकियों को 2100 रुपए का कैश प्राइज मिलेगा। आयोजक ललित चतुर्वेदी ने बताया है कि हमारा उद्देश्य बच्चों में छिपी प्रतिभा को बाहर निकालना है। पहली बार प्रयास कर रहे हैं, उम्मीद है अच्छा रिस्पांस मिले, पर इसे राज्य स्तर पर भी आयोजित करेंगे। श्री माथुर चतुर्वेदी सभा कानपुर के द्वारा आयोजित प्रथम ओंकारनाथ चतुर्वेदी स्मारक क्रिकेट टूर्नामेंट के नाम से T20 लीग के आधार पर हो रहा है। इसमें इटावा, मथुरा, मैनपुरी और कानपुर की 4 टीमें लीग के आधार पर खेलेंगी। इसका फाइनल इतवार को होगा। एक दिन में 2 मैच हो रहे हैं, एक ये ग्राउंड फर्स्ट पे, दूसरा बी ग्राउंड पे, दोनों पे मैच हो रहा है। आज का जो पहला मैच है इधर कानपुर वर्सेस मथुरा और कानपुर वर्सेस इटावा और उधर है मैनपुरी वर्सेस आगरा।
राफेल डील मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी के बयानों को लेकर भाजपाइयों ने रोष व्यक्त किया है। बांदा कलेक्ट्रेट में भाजपाइयों ने राहुल गांधी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया है और राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन डीएम को सौंपा है। भाजपाइयों ने कांग्रेस अध्यक्ष पर जनता को गुमराह करने का आरोप लगाते हुए उन्हें लोक सेवा पद से हटाए जाने की मांग की है और उनके बयान को सुप्रीम कोर्ट का अपमान बताया है। और अगली बड़ी खबर आपको कानपुर से बताते हैं, जहां पर कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता पवन खेड़ा कानपुर पहुंच चुके हैं। इस वक्त की बड़ी खबर कानपुर से। कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता पवन खेड़ा कानपुर पहुंच चुके हैं। इस वक्त की बड़ी खबर कानपुर से। तिलक हॉल में राफेल मामले पर उन्होंने बयान दिया। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट में भेजी गलत रिपोर्ट, 2019 में मोदी को जनता सिखाएगी सबक। कानपुर से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता पवन खेड़ा कानपुर पहुंच चुके हैं। लखौल में राफेल मामले पर उन्होंने बयान दिया है। इसी खबर पर बातचीत के लिए हमारे साथ हमारी संवाददाता हुमा आलम फोन लाइन पर जुड़ चुकी हैं। हुमा, पूछना चाहूंगी क्या कुछ कहा है पवन खेड़ा ने? जी बिल्कुल, आपको बता दें कि पवन खेड़ा कानपुर के तिलक हॉल में आए थे, जहां पे उन्होंने प्रेस वार्ता कर राफेल पर वो बोले हैं। उन्होंने कहा है कि जिस तरह से उनका आदेश से पहले जो सवाल थे वही आज भी सवाल है। उन्होंने साफ तौर पर सीधे तौर पर भारत सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा है कि जो सुप्रीम कोर्ट में रिपोर्ट पेश की गई है राफेल को लेकर वो पूरी तरह से गलत है। उसमें जो सीओजी को रिपोर्ट देने के बाद पीएससी को दी गई है, ये जो हलफनामा भेजा गया था, एक इनवेला भेजा गया था, उसमें ये सीधे तौर पर लिखा था जो कि वाकई में वो सच नहीं था। जिसके बाद 2016 में उन्होंने वो रिपोर्ट भी चेंज कर दी है और उन्होंने ये कहा है कि सीधे तौर पर ये अनिल अंबानी पर आरोप लगाया कि अनिल अंबानी को नरेंद्र मोदी जी सीधे तौर पर फायदा पहुंचाना चाहते हैं, जिसे देखते हुए ही उन्होंने इस राफेल मुद्दे में जो डेसॉल्ट कंपनी है उसको फायदा देने के लिए ये सौदा किया है। शुक्रिया हम आपका हमसे बातचीत के लिए। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कानपुर से, जहां पर कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता पवन खेड़ा पहुंचे कानपुर। इस वक्त की बड़ी खबर कानपुर से, उन्होंने राफेल मुद्दे पर बड़ा बयान दिया है। और फिलहाल खबरों के इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए जेएमडी न्यूज़। नमस्कार।